आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। खगड़िया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव खगड़िया में एक प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, मीडिया कर्मी वहां जुटे हैं, नेशन भारत भी वहां पे है। सुनते हैं कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, जाप क्या रणनीति बना रही है और पप्पू यादव बिहार के विभिन्न मुद्दों पे क्या कुछ मीडिया को बताने वाले हैं। आइए पहले आपको सुनवा लें। बंदी की बात करते हैं, मेरा मानना साफ है कि नीतीश कुमार जी, कि आप पहले अपने जनप्रतिनिधियों का ब्लड जांच करा लें और पदाधिकारियों कि 2 महीने के अंदर कितने लोग शराब पिए हैं, कितने लोग शराब नहीं पिए। आपने तो भारत बिहार की रेवेन्यू तक को बाहर कर दिया। हमारी रेवेन्यू दूसरे स्टेट जा कर के शराब खरीदती है, पीती है। हम वैसे ही पहले से 20,000 करोड़ रुपया एजुकेशन का और अन्य पैसा बाहर देते हैं, रोजगार में, बीमारी में, मजदूरी करने जाते हैं तो रहने और खाने के लिए जो भाड़ा देते हैं वो भी बाहर देते हैं। तो लाखों लाख करोड़ रुपया मेरा सालाना बाहर जाता है। और शराब की स्थिति यह है कि आपकी पूरी थाना पदाधिकारी, नेता और लोकल पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, करोड़ों करोड़ रुपया लोग कमाते हैं। आपने DM SP को कभी सस्पेंड नहीं किया और आप छोटे अधिकारी को थोड़ी देर कार्रवाई करके लाखों उन लोगों को जो शराब पीने वाले लोग हैं उनको आपने जेल में बंद किया, लेकिन शराब बेचने वाले लोगों की स्थिति वैसी नहीं रही। तो आपके कथनी करनी में फ़र्क है, आपने जो बात कही। तीसरी चीज मैं किस उठाते हैं वो सरकार पे है, और ये मेरा मानना 84-85 से है कि सरकारी स्कूल को दुनिया का बेहतर स्कूल होना चाहिए और साथ साथ किसी भी परिस्थिति में शिक्षा का निजीकरण, व्यवसायीकरण और हेल्थ का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार या भागीदारी भी होगी तो सबसे पहले हम व्यवसायीकरण शिक्षा का और हेल्थ का हम रोकेंगे, और व्यवसायीकरण होगा भी तो सरकार के मापदंड पर होगा, किसी भी निजी लोगों के मापदंड पे नहीं होगा। ये आप बहुत ही क्लियर समझ लें। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ एक कानून बननी चाहिए कि सरकारी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि का बच्चा किसी भी कीमत पर सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाएं, और इसकी शुरुआत मंत्री, संतरी, MLA MP को करना चाहिए। उससे पहले बिहार सरकार अपने स्कूल को DAV सेंट्रल स्कूल और नवोदय विद्यालय से बेहतर बनाए, शिक्षक की नियोजित और संविदा पर बहाली बंद करे, मिनिमम स्केल 40,000 रुपया करे और किसी भी कार्य योजना में शिक्षक को ना लगाए और परमानेंट करे। यदि समाज को और बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो शिक्षक को आपको सुविधा और फ्रीडम देना पड़ेगा। शिक्षक को यदि आप प्रताड़ित करेंगे, अन्य कामों में लगाएंगे, अभाव में रखेंगे तो फिर कोई भी संस्था नहीं बनेगी। इसीलिए साफ है आज जो शिक्षक लोग हड़ताल अपने अधिकार को लेकर किए हैं, जन अधिकार पार्टी कंप्लीट रूप से कल जो बिहार भारत बंद के कॉल में है उसमें शिक्षक हमारा सबसे बड़ा अहम हिस्सा है, आरक्षण के साथ, प्रमोशन के साथ, प्रीमियर के साथ, NRC NPR CA के साथ शिक्षक और सफाई कर्मचारी हमारे लिए अहम है। शिक्षक को यदि आप बर्खास्त करने की हिम्मत करिएगा तो हमारी पार्टी आर पार इस लड़ाई को शिक्षक के साथ खड़ी होकर लड़ेगी। तो आपने सुना पप्पू यादव ने क्या कहा। पप्पू यादव के पल पल की खबर
को हम आप तक पहुंचाएंगे कि पप्पू यादव क्या रणनीति बनाया। और आपको एक बात और बता दें, पप्पू यादव ने कन्हैया को तेजस्वी से अच्छा नेता माना है। पटना में उन्होंने दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पप्पू कन्हैया जो हैं तेजस्वी यादव से अच्छे नेता हैं, जिसके बारे में मिशा भारती ने बहुत कुछ कहा था पप्पू यादव को, बिना पेंदी के लोटा से लेके उनका उनका ये अपना विचार बहुत कुछ मिशा भारती ने कह दिया था। जदयू प्रवक्ताओं का भी बयान आया था। इन सभी खबरों पे हमारी नज़र बनी हुई है। तब तक दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। नेशन भारत चैनल आपको कैसा लगा? नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिखें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।